नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर रेसलर बबीता फोगाट माँ बन गई हैं। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। ये जानकारी खुद बबीता फोगाट ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर दी है। बबीता ने अपने पति विवेक सुहाग के साथ ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया और इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे से मिलिए। बबीता ने ट्वीट कर कहा, हमारे सनशाइन से मिलिए, सपनों में विश्वास करिए, ये पूरे होते हैं, हमारे पूरे हुए हैं, नीले कपड़ों में देखिए। इससे पहले उन्होंने 21 नवंबर को इंस्टाग्राम पर बेबी बम दिखाते हुए अपने पति के साथ तस्वीर शेयर की थी। फोटो के साथ उन्होंने एक मैसेज भी लिखा था। उन्होंने लिखा था, आपकी पत्नी के रूप में बिताए गए हर पल में मैंने एहसास किया है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तुम मेरी खुशियाँ हो, आपने मुझे पूरा किया है। मैं अपने जिंदगी जीवन में इस नए चैप्टर को शुरू करने के लिए एक्साइटेड हूँ और बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। बता दें, बबीता फोगाट ने साल 2014 में भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। उनके पति विवेक सुहाग भी एक पहलवान हैं। दोनों की शादी साल 2019 में हुई थी। बबीता और सुहाग की शादी की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि दोनों ने 7 फेरों के बजाय 8 फेरे लिए थे और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने बेटी बचाओ का संदेश दिया था। बबीता फोगाट देश की महिला पहलवानों के लिए एक मिसाल हैं। बबीता के ऊपर बॉलीवुड फिल्म दंगल भी बन चुकी है, जो भारत ही नहीं विदेश में भी सुपरहिट रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।